हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पार्ट वन में 30 क्वेश्चन को। ओके, तो करना आपको ये कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना और कमेंट करके वीडियो के लास्ट में अपना आंसर बताना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरली यूज्ड रेडिएशन सोर्स? एंड द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ व्हाट मटेरियल इज द कैथोड द हेलो कैथोड लैंप कंस्ट्रक्टेड? एंड द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बी इंक्रीज्ड द हेलो कैथोड लैम्प? एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द चॉपर इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? एंड द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द फ्लैम और इमिशन सिस्टम इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? एंड द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कॉल्ड एस एब्जॉर्प्शन फ्लेम फोटोमेट्री? एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इमिशन सिस्टम इन फ्लेम फोटोमेट्री? एंड द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द एटोमीटर इन द इमिशन सिस्टम ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? एंड द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल यूज्ड इन फ्लैम फोटोमेट्री? एंड द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट of a good flame in flame photometry? And the right answer is D. Next question,
एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ मेटल्स। एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ स्पूटरिंग दैट ऑकर इन हॉलो कैथोड लैम्प। एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट प्रेशर शुड बी गैसेस इन द सीलेट ट्यूब बी मेंटेन्ड इन द हेलो कैथोड लैम्प। एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक इमेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन इंटरफेरेंस कैन बी इलिमिनेटेड बाई एडिशन ऑफ। एंड द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी द इमिशन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ। एंड द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी द मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्बेड लाइट इज कॉल्ड एस। एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोडियम गिव्स येलो कलर एट 589.3 nm इन फ्लेम द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम विल बी। एंड द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटोमिक इंटरफेरेंस इन एटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस नैरो बैंड विथ पीक्स जनरली कॉल्ड एस लाइन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ टेम्परेचर अटेनेबल बाई एसिटिल लेन एयर मिक्सचर इज। एंड द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी द ग्राफ डाउन बिटवीन। एंड द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड सैंपल्स कैन बी डायरेक्टली एनालाइज्ड बाय यूज ऑफ। एंड
एंड द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवर द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। एंड द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड बाई एसिटिलीन N20 गैस इज यूज्ड इन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजिंग एजेंट आर यूज्ड इन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी टू प्रिवेंट। एंड द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड 3300-3400 टेम्परेचर्स। एंड द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड 2400-2700 टेम्परेचर। एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कन्वर्ट सैंपल इन मस्ट और एरोसॉल। एंड द राइट आंसर इज सी। ये फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन के आंसर, और ये मिस खुशबू सोनी जिन्होंने हमें ये पीपीटी भेजा है। अगर आप भी हमें पीपीटी भेजना चाहते हैं तो अक्सर से व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं या सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।